मराठी फिल्म का प्रीमियर है जिसका नाम जिवाला है, और इस फिल्म के प्रीमियर में सारी कास्ट और क्रू सारा यहाँ पे बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में यहाँ उपस्थित है सब लोग। और मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट थी जब मैंने इसके बारे में, इस फिल्म के बारे में सुना, इसके सब्जेक्ट के बारे में सुना। जिवाला ये मराठी फिल्म है लेकिन उसका मतलब होता है स्नेह प्यार, जिसको हिंदी में आप समझ सकते हैं बखूबी। तो इस फिल्म के प्रीमियर के लिए मैं अभी आया हूँ और मैं भी बड़ा ही एक्साइटेड हूँ इस फिल्म का प्रीमियर देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि जल्दी देखना चाहिए, और हमको ये फिल्म हमारे दिल के करीब है, और मुझे लगता है कि जो भी ये फिल्म देखेगा वो उसके दिल के करीब की एक फिल्म बन जाएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हृदय स्पर्शी कहानी है जो मैंने सुनी, दिलीप कांगड़े इसके निर्माता है और लेखक है। उनकी ज़िंदगी में जो एक बहुत ही दुखद घटना हुई है उसकी ऊपर ये फिल्म बनी है। ये फिल्म बहुत बड़ी नहीं है, 45 मिनट्स की या 50 मिनट्स की होगी, लेकिन उन्होंने उसमें जो एक विचार दिया है समाज को कि मुझ पर जो बीती है वो और किसी पर न बीते, इसीलिए एक जो संदेश दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए ये फिल्म समाज के विभिन्न स्तरों पे जानी चाहिए, बच्चों को देखनी चाहिए, बड़ों को देखनी चाहिए। ये ऐसा मैं निवेदन करता हूँ, और आप ये फिल्म ज़रूर देखिए जिसका नाम है जिवाला। फिल्म है, मेरे कुटुंब के ऊपर है। बहुत भयानक घटना हुई थी, पूरा वर्ल्ड में ऐसा घटना हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि जो अपने ऊपर जो घटना है वो घटना दूसरों के लिए अभी एक माध्यम से अभी उनका एक मैसेज देने का मैंने प्रयत्न किया है कि मैसेज ऐसा है कि डरने का नहीं है, जो स्ट्रांग रहने का है और आगे का जो अपना जिंदगी है हंसते खेलते रहने का है। ये हमने सर जिवाला हमने फिल्म हमने जो बनाई है तो इसका एक उद्देश्य यही है कि ये मैसेज जो समाज को मैसेज जाना चाहिए कि जो कोरोना का जो विषाणु है जो फैला हुआ था और ये 2 साल जो हम इससे गुजर रहे थे, और ये सत्य घटना पे आधारित हमारे एक हमारे मित्र जो है निर्माता दिलीप कांबळे साहब इनके फैमिली पे हुई है, तो ये हम इसको ये फिल्म के द्वारा हम ये मैसेज हमने पूछा हुआ है, तो इसको ये आप इसको ये फिल्म को जो धैर्य से जो दोनों बच्चों ने इनका जो धैर्य से उनको अपने पिता को उन्होंने धीर दिया हुआ है, तो ये धीर के कारण हम लोग ने हमको ही धीर आ गया क्योंकि हमारी जिवाला पूर्ण टीम है, तो ये टीम हमारी ये जो चित्रपट है इसके हम लोग पीछे थे कि ये चित्रपट अच्छी तरह से इसको हम पेश करें, जनता के सामने एक मैसेज जाए, इस तरह से हम लोग ने ये आपके सामने अभी पेश किया हुआ है। जिवाला ये जो मूवी है हमारी, ये दिलीप सर ये फिल्म के प्रोड्यूसर है, और ये जिवाला जो है मूवी कोविड में जो जो सिचुएशन पे ये मूवी हम लोग जो जो फैमिली के साथ जो जो सिचुएशन हुई थी उसके ऊपर ये मूवी हम लोग ने निकाली है। ये मूवी जल्दी ही OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी और सबको देखने मिलेगी। सो ठीक है, धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम है धीरज शेट्टी है, डी शंकर प्रोडक्शन में मैं असिस्टेंट मैनेजर के काम कर रहा हूँ। ये जो प्रोडक्शन है यहाँ पे नए लोगों को हम देखते हैं अच्छा काम करने की चांस मिलता है यहाँ पे, और अभी जो मूवी हुआ है जिवाला ये एक सत्य स्टोरी है उसके ऊपर है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने दिलीप कांबळे सर है जैसे इसके डायरेक्टर प्रशांत बोलते हैं और जिवाला की पूरी टीम है, इन्होंने बहुत मेहनत की हुई है, और ये पिक्चर से मैसेज ये लोगों तक जाना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो आपको घबराना नहीं है, कोई भी सिचुएशन में अगर आप घबराते नहीं हो तो आप सिचुएशन में आप सक्सेसफुल उसको पार कर सकते हो, मैं इतना कहना चाहता हूँ। और आप सब लोगों को मेरा यह मैसेज है कि जिवाला अगर आप देखोगे तो सच्ची में आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। मेरे भाई ने उनके ऊपर जो कहानी जीवन में बीती है वो प्रकट किया समाज के सामने। ये स्टोरी उनके फैमिली के है, हमारी फैमिली के है। जिस टाइम पे ये घटना घटी हुई थी वो टाइम पे मेरे भाई के बच्चे स्मशान पे चिता जलते हुए उसकी माँ को देख रहे थे, वो उधर से रो रहे थे, हम लोग इधर से रो रहे थे, लेकिन हम लोग उनको मिल नहीं पाते थे, कोविड की वजह से हम लोग जा नहीं पाते थे, और ऐसा सिचुएशन में वो टाइम पे मेरे भाई कोविड सेंटर में एडमिट थे, उनको पता नहीं चला। हम लोगों ने बच्चों को बताया कि बेटा पापा को
पता मत चलने दो कि अगर उनको पता चलेगा तो उनको भी धक्का हो सकता है, उनको भी उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए बच्चों ने वो ही केला अपना भूमिका निभाई और जो स्ट्रांग रहे अपने पिताजी के सामने, तो उसके वजह से मेरे भाई 13 दिन के बाद अच्छे से होके क्वारंटाइन सेंटर से वापस आए और वो बच्चे मेरे भाई के पीछे स्ट्रांग ऐसा सपोर्ट किया उन्होंने, उसकी वजह से वो माध्यम से अपने भाई ने समाज के सामने एक कहानी प्रकट की है।